એકદમ મજામાં. અનંત ને રાધિકા ને તમારા આશીર્વાદ આપજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બેટા, જય શ્રી કૃષ્ણ. રેજન્ટ એક માં વેરી ગુડ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૈયા પટના પણ અપને મુલ્ક કો अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद यह है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाहते हैं. ये इतना बड़ा दिल किसी का नहीं होता. मैंने भी किसी का इतना बड़ा दिल नहीं देखा. यहाँ बच्चा बच्चा उनके मतलब नाम के साथ सर और इज्जत के साथ उनका यार नाम. मैं एक और बात बताता हूँ. देखो पैसे से कहते हैं सब कुछ खरीदा जाता है, लेकिन इज्जत और जो दिल में प्यार होता है वो नहीं खरीदा जा सकती. तो सोचिए कि वो आदमी कितना अमीर तरीन आदमी होगा. वो चाहे तो पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ एक दिन में चुका सकता सारा जी, है ना. तो क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह का अमीर आदमी कौन बनेगा. जय हिंद दोस्तों. दोस्तों भारतीयों की उदारता और महानता की तारीफ पूरी दुनिया भर में होती है और दुनिया भर के लोगों का यहाँ पर कहना होता है कि भारतीयों के जितना कोई भी महान नहीं होता है. और इस तरह के इवेंट कराने का मकसद यह है कि वो इंडिया को एक शाइनिंग इंडिया बनाना चाह रहे हैं. इंडिया को एक बहुत बड़े दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लोग बहुत लिबरल है, बहुत पैसे वाले हैं और इंडिया जो है ना एक बड़ा खुशहाल मुल्क है. देखिए अंबानी देखें, वो उनका एक बहुत बड़ा बिलीनियर है. पूरे वर्ल्ड वाइज जो है ना एक बिलीनियर्स में से उसका नाम 14 बिलियन डॉलर्स उसके पास है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके लिए क्या मसला है कि प्री वेडिंग वो करे और सारा कुछ करे. ये एक इवेंट इस तरह होता है कि आपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को दुनिया में वो अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. आप देखें पीछे उन्होंने राम मंदिर का भी इफ्तिताह किया तो उसमें भी उसने पूरी दुनिया से लोगों को बुलाया और सब लोग आए उसमें. इसी तरीके से अंबानी तो एक बहुत बड़ा नाम है. तो डेफिनेटली उनके रिलेशन भी वैसे है, बिलीनियर्स के साथ रिलेशन है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ, टाइकॉन्स के साथ है, कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े बादशाह होते हैं, प्रिंस होते हैं, प्रिंसेस होती हैं, उन सबको उन्होंने बुलाया. क्या होना चाहिए नेशनलिज्म की बात करें, बिलियनेयर जो है मुकेश अंबानी सर ने अपने बेटे की, लाडले बेटे की प्री वेडिंग सारी जितने भी फेस्टिवल थे इंडिया के अंदर रखे. लेकिन सर अगर हम अपने बड़े बड़े अमीर लोगों की बात करें, शादी तो दूर की बात, ये तो अपना इलाज भी इस मुल्क में करवाना पसंद नहीं करते. यार इनको तो उनके साथ आप ना मिलाए ना, ये तो वो अपने मुल्क के लिए कंट्री के लिए करते कुछ ना कुछ. हमारे वाले कंट्री को लूट के निकल जाते हैं बाहर. इन्होंने अपना जितने भी जो कुछ करना होता है वो बाहर कंट्रीज में करना होता है. वो अपना कनाडा में जाके करते हैं, जर्मनी में जाके करते हैं, वो जाके जो है ना यूरोप में जाके करते हैं, अमेरिका में जाके करते हैं. इनकी जायदादें, इनके फंक्शन वो सारे वहाँ होते हैं, बाहर होते हैं. इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, सब वहाँ होते हैं. उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं. पाकिस्तान पर सिर्फ इन्होंने हुकूमत करनी है और आवाम का खून चूसना है, यहाँ का पैसा इकट्ठा करना है, यहाँ से जिस तरीके से जितना मतलब हो सकता है लूट मार इन्होंने मचानी. तो इनका उनके साथ कोई वो नहीं, क्योंकि ये अपनी कंट्री से लॉयल ही नहीं है. इनकी लॉयल्टी है ही नहीं. इनकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के साथ है. और वैसे भी बाहर के लोगों को अब पता चल गया, जो खिलाड़ी है, जो स्पोर्ट्समैन है, ज़्यादातर उनको पता चल गया कि पाकिस्तानी इनका अपना कंजर खाना नहीं ख़त्म होता तो इन्होंने वो क्या करना. मतलब मैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप देखें कि जो इंडिया की जो अमीर क्लास है, जो बिलियनेयर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की कितनी बात मानते. 2 माह पहले उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जितने भी अमीर लोग हैं मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने बच्चों की जो शादियाँ हैं मुल्क से बाहर नहीं बल्कि मुल्क के अंदर करें, ताकि जो है हमारे मुल्क के बारे में लोग जानें. जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे रिहाना की बात करें, वो आज से पहले इंडिया नहीं आई. उनको मौका किसने दिया? अंबानी सर ने दिया. तो अपने प्राइम मिनिस्टर की बात को सर वो कितना ज़्यादा फॉलो करते हैं. फिर वही आ जाती कि वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क के साथ, अपने कंट्री के साथ लॉयल है. उनको अपनी कंट्री के साथ, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, उन्होंने प्रमोट करना है. अब हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते. अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने हम पाकिस्तान के अपने मुल्क के बजट हैं. सही बात है. तो अब उस बजट के ऊपर तो जा नहीं सकते. रही बात उनके दिखावे की, तो उन्होंने वही दिखाना जो उनके पास है. ठीक है. और इंडिया में तो तकरीबन हर शोबे में हमने देखा कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है. और रही बात पाकिस्तान की, तो हम आज भी एहतजाज में लगे हुए हैं. हाँ. सस्ता आटा, सस्ता आटा. और सुनने में आया कि रमज़ान में वो मदद भी करेंगे गरीबों की, जिसके ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर भी बनी होगी. अच्छा. तो अब नवाज शरीफ की तस्वीर वाला आटा बट रहा है यहाँ पे. अच्छा. तो अब इंडिया जैसी कंट्री में 1000 करोड़
2000 करोड़, ये फिगर बस हमारी जुबानों भी आते हैं, अब कब कब आते हैं, ठीक है। और उस मुल्क में वो उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सर उनकी एक शादी पूरे पाकिस्तान पे भारी, हमारे मुल्क के में वजीर आजम के कहने पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, और उनके मुल्क में जो है अंबानी की शादी पर जो है कैनेडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आ गए, ट्रंप और उसके जो है बीवी और बेटी मौजूद है, इसके साथ साथ कुवैत के जो है प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दुनिया भर की सियासी पार्टियाँ वहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है, सर वो एक बंदा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। हाँ जी, मैं पहले भी कह चुका, जेदी कुजी से दाने और कमले भी से आने, हाँ तो ये वो हिसाब है, उनकी कुजी में दाने हैं, हाँ। तो उसकी वजह वो दाने फेंकते हैं और ये दूसरे कबूतर चोगा चुगने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो एक बड़ी पर्सनैलिटी है, उसको मानना चाहिए कि अंबानी ख़ानदान वो एक बड़ा ख़ानदान है और उनका बिजनेस, वो बिजनेस टाइकन है और उन्होंने बहुत सारे मैदान में अपना आप दिखाया भी है, तो अच्छी बात है। उनके पास पैसा है तो वो दुनिया को भी दिखाते हैं, और उसमें मेरे ख्याल में कि इंडिया का इमेज ही एक अच्छा इमेज डेवलप हो रहा है। यहाँ पर कुछ पाकिस्तानियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि इतनी महंगी शादी करने की क्या ज़रूरत थी, यही पैसे 25 करोड़ गरीब पाकिस्तानियों को दे देते, 25 करोड़ मिलके अगर इंडिया के लिए दुआ कर दे तो वो ज़्यादा तरक्की करना था और जो है हमारी दुश्मनी भी ख़त्म हो जानी थी, फिर हमने कश्मीर भी छोड़ देना था अगर ये पैसे हमें दे देते। अब दरअसल हाल ही में कुछ ऐसा एक बार फिर से देखने को मिला है, और ये बात तो आप सबको ही पता होगी कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी हो रही है, और इस शादी में सारा का सारा कार्यक्रम मुकेश अंबानी के गांव जामनगर से हो रहा है, और जामनगर में होने वाले अनंत अंबानी के शादी के कार्यक्रम के दौरान ही हमें ये भी देखने को मिला है कि मुकेश अंबानी जो कि दुनिया के बड़े अरबपति हैं और जिनकी नेटवर्क 100 बिलियन US डॉलर से भी ज्यादा की है, तो वहाँ जामनगर के आम लोगों को जो कि बेचारी महीने में 10 से 20 हजार कमाते होंगे, उन्हें कुर्सी पर बैठा कर अपने हाथों से खाना परोस कर खिला रहे थे और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े भी थे, और वह ये भी विनती कर रहे थे कि आप यहाँ से भरपेट खाना खाकर ही जाए और बाद में घर जाने से पहले हमारे बेटे अनंत और होने वाली बहू राधिका को भी अपना आशीर्वाद देकर जाए। मुकेश अंबानी के अलावा उनके बेटे अनंत अंबानी और उनकी होने वाली बहू राधिका भी लोगों को खाना परोस रही थी और उनका आशीर्वाद ले रही थी, और अब मुकेश अंबानी के इसी प्रकार के कार्यों से आप उनकी महानता और उदारता को समझ सकते हो कि वह इतने अमीर है कि इस शादी में तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रत्ती भर भी घमंड नहीं है। और मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के शादी के कार्यक्रम में मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार की तरफ से आम इंसान को भी इतनी ज्यादा मान मर्यादा और इतनी ज्यादा इज्जत महत्व दिया जा रहा है कि मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार आम इंसान के सामने कुछ भी नहीं है। मुकेश अंबानी और उनके पूरे परिवार का जो आम इंसान को लेकर जो व्यवहार है उसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति महीने में 20 से 30 हजार कमाने लगता है तो उसे इतना ज्यादा घमंड आ जाता है कि लोगों से अच्छे से बात नहीं करता है, जानवरों को इज्जत नहीं करता है और वह बार बार गरीब लोगों का इंसल्ट करता है। लेकिन मुकेश अंबानी जो कि इतने अमीर व्यक्ति हैं जिनकी सेकेंडों की कमाई भी करोड़ों रुपए में होती है, तो वह इतने ज्यादा महान और इतने ज्यादा उदार, और इसी सब को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का होश उड़ा हुआ है। खैर, आप सब क्या सोचते हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।